राज्य में शराबबंदी के बाद धंधेबाज शराब तस्करी को लेकर अक्सर नए नए तरीके अपना रहे हैं। इस बार भी मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसे ही नायाब तरीका पकड़ में आया है। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर जंक्शन का है, जहां रेल पुलिस ने अमृतसर से दरभंगा जा रही जननायक एक्सप्रेस से ढोल नगाड़े से शराब बरामद की है। शराब अलग अलग ब्रांड के। रेल DSP अतनु दत्ता ने बताया कि शराब के खिलाफ ट्रेनों में छापेमारी की जा रही है। जननायक एक्सप्रेस से शराब बरामद किया गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अन्य ट्रेनों में भी छापेमारी की जा रही है। DSP ने बताया कि ट्रेन में सूचना मिली थी कि शराब की खेप है, ढोलक समेत अन्य सामान में उसे स्टॉक किया गया है। ट्रेन के जंक्शन आने के बाद जाँच की गयी, ढोल समेत अन्य सामानों को खोला गया। यह पहला मामला है जिसमें ढोल नगाड़े की आड़ में शराब की खेप मंगाई गई थी। शराब लावारिस स्थिति में था। पुलिस से बचने के लिए गाड़ी की टायर में शराब छिपा कर रखा था। ढोल नगाड़े के अंदर शराब छिपाया गया था। साउंड बॉक्स खोलकर देखा तो अंदर में पूरी शराब भर कर रखा गया था। जनरल बॉगी में बैठे सभी यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन पकड़े जाने के डर से किसी ने शराब के बारे में नहीं बताया, जिसके बाद शराब को जब्त कर थाने लाया गया है। शराब की गिनती की गई है, कुल 54 बोतल शराब पाया गया। आशंका है कि शराब की खेप हरियाणा से दरभंगा जा रही थी। सामने आया है ट्रेन से शराब बरामद हुई है, ढोल नगाड़ों का इस्तेमाल किया गया था शराब माफियाओं के द्वारा। हाँ, रेल जिला में विशेष अभियान अवैध शराब और अवैध सामानों की बरामदगी के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें जननायक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें बॉगी, साधारण बॉगी में ढोलक, इसके अलावा साउंड बॉक्स, बड़ा टायर तथा प्लास्टिक के बोरा में अवैध शराब बरामद हुई है, जिसमें शराब माफिया लोग शराब को छिपाकर लेके जा रहे थे। कितनी शराब है सर? टोटल मिलाकर 30.750 लीटर। सर कहां से मंगवाई गई थी और किसको डिलीवरी देनी थी? ये इस संबंध में जांच चल रही है, जांच पूर्ण होने के बाद उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी वगैरह है उसमें? अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं है, जांच चल रही है। हाँ जी, लिंक लाइन भी देखा जा रहा है क्या? हाँ, सारे बिंदु पर जांच चल रही है, कहाँ से आया है, किसको देना था। शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।